हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स दिस इज़ क्लास सेवन ऑक्सफर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश एंड टुडे वी विल बी स्टडी अ लेसन फ्रॉम पेज नंबर 196 इट इज़ बेसिकली एन ऑटोबायोग्राफी द यूनिट नेम इज़ यू कैन से होल यूनिट वी विल बी फैमिली फीलिंग्स इन द होल यूनिट ओके सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं Felicity Kendal is a British actress who had a most unusual childhood. Felicity Kendal जो है ये एक British actress है जिसका बचपन जो है दूसरों से बहुत ज़्यादा हट के है Unusual का मतलब है यानी कि usual चीज़ नहीं है मामूल से हट कर है गैर मामूली शी वॉज पार्ट ऑफ हर फैमिलीज एक्टिंग ग्रुप कॉल्ड शिक्स पियर रीनियन सॉरी शेक्स पियर रेना वो अपनी फैमिली के एक्टिंग ग्रुप जिसका नाम शेक्सपियर शेक्सपीर रियना था उसका हिस्सा थी विच ट्रेवल्ड अब्रॉड जो कि दूर दराज के ममालिक का सफ़र किया करते थे परफॉर्मिंग शेक्सपियर्स प्लेस और ये वहाँ जाकर शेक्सपियर के ड्रामों के ऊपर परफॉर्म किया करते थे शी वॉज कॉल्ड फू बाई हर फैमिली एज ए चाइल्ड बचपन में उसकी फैमिली उसको फू कहकर पुकारा करती थी एंड हेयर शी रिमेंबर्स वन क्रिसमस डे और यहाँ पे जो स्टोरी वो लिख रही है अपने बारे में अपने बारे में जो बता रही है ऑटोबाग्राफी में वहाँ पे वो उसको याद आ रही है रिमेंबर्स वो याद करती है एक क्रिसमस डे की स्टोरी व्हेन हर ट्रस्ट इन हर मदर वॉज टेस्ट जब उसने जो अपनी माँ से माँ के ऊपर जो भरोसा कर रखा था उस चीज़ को उसने आज़माया टेस्ट अजमाया टेस्टेड अजमाया क्रिसमस कैश इस बेसिकली स्टोरी का नाम है क्रिसमस कैश चले आई हैं। आवर लास्ट फोर वीक सीजन वॉज अ ट्रियम्फ हमारा जो पिछले चार हफ्ते का सीजन था वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी ट्रियम्फ का मतलब है जीत या कामयाबी विच इज मोर देन कैन बी सेड फॉर क्रिसमस डे जो कि इतना क्रिसमस डे के ऊपर आमतौर पर नहीं होता था जितना उस दिन हमें फ़ायदा हुआ आ, मतलब कि इन चार हफ्तों में फ़ायदा हुआ उस दिन नहीं तो क्रिसमस डे के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी हाउ एवर आल दो आवर शोज़ जनरली प्लेड टू पैक्ड हाउसेस अगरचा हमारे जितने भी शोज़ थे वो आम तौर पर प्ले होते थे पैक्ड हाउसेस में मतलब कि फुल आवाम वहाँ पे बरी होती थी और बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं थी बचती देयर वॉज रेयरली एनी स्पेयर कैश बेशक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी और लोग बहुत शौक से देखने आते थे लेकिन फिर भी शायद ही कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैश हमें बचता हो स्पेयर कैश मतलब कि सेविंग या एक्स्ट्रा कैश द कंपनी वॉज पेड अ पिटन्स कंपनी को एक मामूली सी रकम अदा की जाती थी पिटन्स का मतलब है अ वेरी स्मॉल और इन एडिकुएट अमाउंट ऑफ मनी यानी कि एक मामूली सी रकम एंड द जर्नीज़ ओ ओवर दास्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया सॉल्ड अप मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट और जितने भी हमारे सफ़र थे वास्ट डिस्टेंसिज लम्बे लंबे, -लंबे फासलों तक बहुत वसी दूर दराज के फ़ासों तक जो सफ़र थे ऑफ इंडिया इंडिया के सॉलोड अप मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट ये हमारा ज़्यादातर प्रॉफिट का हिस्सा तो इसी में खत्म हो जाता था सॉलोड अप निकल जाना हड़प कर जाना यानी कि सारा प्रॉफिट तो इंडिया के सफ़र करते करते हड़प हो जाता था प्रेजेंट्स देर फॉर इवन एट क्रिसमस वर यूजुअली जो तोहफे तहफ मिलते थे प्रेजेंट्स तोहफे तहफ गिफ्ट्स ताहम इवन एट क्रिस, सॉरी इवन एट क्रिसमस जो क्रिसमस पे भी तोहफे तहफ मिलते थे वर यूजुअली टोकनस वो तो बेसिकली बस नाम के होते थे छोटे मोटे से तोहफे थे बट अ किटन कॉस्ट नथिंग एक किटन की कीमत कुछ भी नहीं थी किटन बिल्ली का बच्चा सो आई रिमाइंडेड मदर ऑफ़ द प्रॉमिस शी हैड मेड ओनली अ वीक अर्लियर तो मैंने अम्मी जान को वो वादा याद करवाया रिमाइंडेड याद करवाया किस चीज़ को याद करवाया प्रोमिस को जो उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते पहले ही किया था दैट आई कुड हैव किटन फॉर क्रिसमस और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मुझे क्योंकि ये फिलिसिटी किंडल अपने बारे में लिख रही है तो कह रही है आई कुड हैव अ किटन फॉर क्रिसमस कि मुझे क्रिसमस के लिए एक किटन मिल सकता है बिकॉज आई हैड हैड टू लीव माई लिटल बैम्बी क्योंकि मुझे अपनी नन्नी बैम्बी को छोड़ना था यहाँ पे साइड पे लिखा है कि बैम्बी कौन थी फिलिसिटी हैड हैड अ पेट बेबी डियर कॉल्ड बैम्बी उसके पास एक बेबी डियर थी जिसका नाम उसने बैम्बी रखा हुआ था विच शी लव्ड अपनी छोटी सी हिरनी से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी बट शी वॉज फोर्स टू लीव इट बिहाइंड द फैमिली लेकिन जब उसकी फैमिली इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आई थी परफॉर्म करने के लिए तो वो अपने पीछे उसको छोड़ आई थी उसको साथ नहीं थी लेके आई आई वॉज हॉरीफाइड टू लर्न मुझे ये सोचकर या ये जानकर बड़ा डर रहता था हॉरीफाइड का बेसिकली मतलब, मतलब होता है डर जाना खौफजदा हो जाना दैट शी हैड कि शायद अम्मी को भूल गया हो और वॉज प्रिटेंडिंग टू हैव फॉर या वो दिखावा ऐसा कर रही थी कि वो भूल चुकी हैं अबाउट माई लॉन्ग फॉर लिटल कैट लॉन्ग फॉर का मतलब है ख्वाहिश जिस चीज़ की की जाए मेरी नन्ही सी कैट की जो ख्वाहिश थी उसके बारे में शायद या तो अम्मी भूल गई हैं या वो भूलने का दिखावा कर रही हैं मोर ओवर शी इवन सजेस्टेड मज़ीद बरा अम्मी ने यह भी सजेस्ट किया दैट इट वॉज़ नॉट अ गुड आइडिया टू टूअर ऑफ़ कैट फू कि हम लोग एक ऐसी बिल्ली का एक्सपीरियंस करें फू फिलिसिटी किंडल जो अपने बारे में बता रही है उसका नाम निक नेम जो है वो फू है ओके okay, अब हम पैराग्राफ टू स्टार्ट करते हैं आ जाए है जी पैराग्राफ टू पे ब्रोकन प्रोमिसज आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप टूटे वादे जो होते हैं वो हमारी परवरिश का एक हिस्सा होते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें हमारे साथ लोग प्रामिस भी करते हैं और वो तोड़ते भी हैं यानी कि उनसे टूट भी जाते हैं बट दिस वॉज माई फर्स्ट लेसन ये तो मेरी जिंदगी का पहला सबक था एंड केम और वो इस सबक मिल गया ऑफ ऑल पीपल फ्राम माई मदर हु ऑलवेज कैप्ट हर वर्ड जितने भी लोग थे मुझे ये सबक मिला मेरी अपनी माँ से कि जिसने हमेशा अपने अल्फाज का मान रखा था मतलब कि अम्मी ने हमेशा अपने वादे को निभाया था आई वेंट टू बेड इन टीयर्स टीयर्स कहते हैं आंसुओं को तो मैं रोती रोती अपने बिस्तर पे चली गई एंड इवन द थाट ऑफ अदर टॉयज फ्राम द बाज़ार एंड अ वंडरफुल क्रिसमस डिनर इन द बिग डाइनिंग रूम और मुझे ये सोच भी थी दूसरे खिलौनों की कि बाजार से लेने वाली और साथ ही साथ मेरे जहन में यह भी था कि वंडरफुल क्रिसमस डिनर होगा बिग डाइनिंग रूम में यह सारी बातें मेरे माइंड में थी लेकिन जो आ, बिल्ली की हवाश थी वो सबसे सारी ख्वाहिशों से ऊपर थी और डिनर में हमें क्या कुछ मिलेगा टर्की एंड क्रिसमस पुटिंग डिड नथिंग टू चेयर अप चेयर खुश करना चेयर अप खुश करना माई लिटल हार्ट मेरे नन्हे से दिल को इन सोचों से भी कोई खुशी नहीं मिली एकिंग फॉर अ टाइनी किटन टू लव एंड टू प्ले विद और मेरा जो नन्ना हार्ट था एक का मतलब है दर्द होना जैसे आप कहते हैं एक दांत का दर्द स्टोमिक एक मेदे का दर्द हैड एक सर का दर्द एकिंग फॉर अ टाइनी किटन टू लव एंड टू प्ले विद और मेरा दिल जो था वो दर्द कर रहा था कि मुझे एक नन्ही सी किटन मिल जाए जिससे मैं प्यार कर सकूँ और उसके साथ खेल सकूँ शट योर आइस एंड गो टू स्लीप फू अपनी आंखें बंद करो और सोने चले जाओ मेरी मदर ने मुझे तसली दी माई मदर कम्फर्टिड मीफ कम का मतलब है सुकून. कम्फर्टिड जो है एज ए वर्ब इसकी सेकेंड फॉर्म है मुझे इतमान दिया तसली दी थिंग विल लुक बेटर इन दिन माँ ने बेटी का मूड समझ लिया और कहा कि सुबह सब ठीक हो जाएगा आई विल नेवर बिलीव यू अगेन मैं आप पर कभी दोबारा भरोसा नहीं करूँगी एंड आई वॉन्ट आई वॉन्ट गो टू स्लीप और मैं सोने भी नहीं जाऊँगी आई क्राइड मै चिलई बट ऑफकोर्स आई डिड लेकिन ऑफकोर्स मुझे uh, मैंने ये ऐसा काम किया ये जो बिलीव वाला था अब पैराग्राफ थ्री स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज वोकन बाई अ हिस्सिंग स्पलटरिंग बास्कट ट दाई बैड अगली सुबह मुझे जगाया गया किस चीज़ ने जगाया हिसिंग कहते हैं जैसे सांप की आवाज हो उसको हिसिंग कहते हैं और हवा के चलने की आवाज़ को भी हिसिंग कह सकते हैं तो स्प्लटरिंग कहेंगे एक हिसाब से कोई आ, एक्सप्लोजिव साउंड को भी कह सकते हैं यानी कि कोई चीज़ हिल जुल रही थी और सिस की आवाज़ें भी आ रही थी और वबलिंग का मतलब होगा मूव और कॉज टू मूव अनस्टेडली यानी कि एक कोई चीज़ इधर उधर हिल रही है जैसे अगर एक टेबल की टांग टूटी हो तो वो लड़खड़ा रहा होता है उस वो भी एक वबलिंग uh, वो इमेज क्रिएट करता है वबलिंग वाला शेकिंग हिलना ये सब चीज़ें ये शो कर रही थी कि इसके बेड के करीब कोई टोकरी है जो हिल जुल रही है और उसमें से कोई आवाज भी आ रही है और ये किधर है एट द बॉटम ऑफ माय बेड माय हार्ट पाउंडेड मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा आई लव माय मदर मुझे अपनी माँ पे और ज्यादा प्यार आया शी हैड नॉट फॉर गॉटन आफ्टर ऑल आखिरकार उनको बिल्कुल भी नहीं भूला था I scrambled to untie the basket. मैं जल्दी जल्दी से उतरी और untie का मतलब है खोलना बास्केट को एंड एज आई और जैसे ही मैंने किया अ लार्ज क्रीम एंड ब्लैक मॉन्स्टर लेप्ट आउट तो उसमें से एक बड़ा सा क्रीम और ब्लैक कलर का मॉन्स्टर जो है वो बाहर छलांग लगा के आ गया स्पिटिंग एटमी और मेरे स्पिट का मतलब वैसे है थूक फेंकना और जैसे वो उसको आ, उसकी स्किन को अपनी जुबान के साथ टच करने लगी इट पाउंसड ऑन माई हेड इसने छलांग लगा के मेरे सर पे आ गई आ गया बेसिकली वो बिल्ला था छोटा फिक्सिंग इट्स शार्प क्लास इन टू माई स्कल्प स्कल्प का मतलब है आ, आपके सर की स्किन यानी कि बालों से नीचे जो आपके हेड की स्किन होती है उसको स्कल्प कहेंगे और वो अपने नुकीले पंजे मेरे आ, सर के ऊपर जो है गाड़ रही थी फिक्स कर रही थी बाइटिंग एंड स्क्रैचिंग वो मुझे काट रहा था वो जो किटन था और मुझे स्क्रैच कर रहा था स्क्रैच का मतलब है अपने नाहूनों से स्किन के ऊपर निशान डालना मैं माउथ वॉश फुल ऑफ फर मेरा मुंह उसके बालों की बालों से भर गया बिल्ले की बालों से भर गया इट ऑल हैपन्ड सो क्विकली ये सब इतना जल्द हुआ दैट आई हैड नो टाइम टू डिफेंड माई सेल्फ कि मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए कोई वक्त ना बचा आई फेल्ट नो पेन मुझे बिल्कुल भी दर्द ना हुआ जस्ट सरप्राइज़ बल्कि बस हैरानगी हुई एज़ आई हर्ड मैरी स्क्रीम आउट एज़ आई हर्ड मैरी स्क्रीम आउट ए, ए ए गो 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 आउट आउट मेरी उसकी बहन का नाम है उसकी बहन आके स्क्रीन का मतलब है चिल्लाई बिल्ली को भगाने के लिए गो आउट द बीस्ट वॉज ड्रैगड ऑफ उस दरिंदे को बीस्ट का मतलब है दरिंदा उस दरिंदा यानी कि जो कैट थी किटन था उसको घसीट के बाहर ले जाया गया ड्रैग का मतलब है घसीटना एंड माई मदर वॉज कॉल्ड और अम्मी को बुलाया गया शी rushed इन टू सी ब्लड पोरिंग डाउन माई फेस रश का मतलब है जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आना वो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आई और देखा कि ब्लड जो है मेरे फेस के नीचे ऊपर टपक के नीचे आ रहा है पोरिंग डाउन नीचे टपक के आ रहा है एंड माई न्यू pet क्राउचिंग अंडर द bed. और मेरा जो नया पैट था वो छुप, छुप छुपाते हुए क्राउच करना छुप, छुप छुपाते हुए वो अपने घुटनों के बल छुप, छुप छुपाते हुए बेड के नीचे चला गया तो बेसिकली क्रोचिंग का मतलब है अपने घुटनों के बल झुक कर छुपना विद इट्स ईयर बैक उसके कान बाहर की तरफ थे uh, its tail उसकी दुम लहरा रही थी एंड इट्स ग्रेट ब्लू सीमीज आईज स्टेयरिंग आउट फ्रॉम द डार्कनेस और उसकी uh, बड़ी बड़ी सी नीली सीमीज यानी कि नीले रंग से चमकती हुई जो आंखें थी वो स्टेयरिंग आउट कर रही गुर, गुर रही थी अंधेरे में से अब पैराग्राफ फोर दिस वॉज माई किटन ये ही मेरा किटन था दिस ह्यूज नाइन ईयर ओल्ड ये इतना बड़ा सा नौ साल का बैटल स्कर्ट बैटल स्कर्ट का मतलब है जो खुद भी जहमी हो सीमीज टॉम कैट था जो खुद भी बुरे हालात से लड़कर आया हो देर वॉज अ लॉट ऑफ वॉशिंग ऑफ बाउंड विद डिटोल Uh, this was my kitten, this huge नाइन year old battle स्कर्ट semi इस टॉम का देर वॉज अ लॉट of वॉशिंग ऑफ बाउंड बहुत ज्यादा जख्मों को सफाई की गई डिटोल के साथ But, डिटोल आपको पता ही है क्या होता है बट माई मदर वॉज सॉरी लेकिन मेरी अम्मी को अफसोस था शी आल्सो सीम्ड स्ट्रेंजली डिटर्मन वो भी दिखाई देती थी एक अजीब अंदाज से पुराजम दिखाई देती थी टू कीप द्रिएचर कि वो इस महलूक को घर में रखेंगी एक्सप्लेनिंग दैट शी वॉज ओनली फ्राइटन मेरी अम्मी ने मुझे बस यही वजाहत की कि बिल्ली जरा डर गई थी फ्राइटन डर गई एंड वुड ग्रो टू लव मी और जब जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी वो मुझसे प्यार करेगी यानी कि जो कैट थी कैट था या वो थी बट आवर मोस्ट मीटिंग सेट द टोन फॉर आवर रिलेशनशिप सॉरी बट आवर फर्स्ट मीटिंग लेकिन हमारी जो पहली मुलाकात थी मतलब के कैट के साथ जो इसकी आ, लड़की की पहली मुलाकात थी उसी से इनके ताल्लुक की टोन सेट हो गई यानी कि आगे चल के भी इनका रिश्ता कोई इतना अच्छा नहीं रहेगा द कैट नेवर लव मी कैट ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया इन फैक्ट ही हेटिड मी फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स अगले पाँच साल तक वह मुझसे नफरत करता रहा ऑफ हिज लाइफ एंड आई हेटिड हिम और मुझे भी उस बिल्ले से नफरत थी आई कुड नेवर टच हिम विदाउट बींग अटैक्ट मैं इसको जब भी छूती थी तो वह मुझ पर हमला करता था यानी कि उसका कोई भी टच ऐसा नहीं था जो आ, के हमले के बगैर गुजरा हो वेर एज विद मदर ही वॉज एज जेंटल एज ए लैम लेकिन वो मेरी अम्मी के साथ इतना ही नरम मिजाज था जेंटल होना यानी कि नरम मिजाज होना जैसे एक बेड़ का बच्चा हो लेइंग लाइक ए बेबी ऑन हिज बैक इन हर आर्म्स और वो छोटे बच्चे की तरह आ, अप, और अपनी आ, कमर के बल पर मेरी माँ के बाजुओं पे आराम करता परिंग लाउडली और वो अपनी जो आवाज़ें निकालना था ऊंची ऊंची आवाजें निकालता था तो बेसिकली परिंग का मतलब ये होता है ये रहा लफ्ज परिंग इसका मीनिंग होता है टू मेक अ क्वाइट कॉन्टिन्यूस सॉफ्ट साउंड। पैराग्राफ फाइव शी हैड फाउंड हिम ऑन क्रिसमस बाय अ डॉग मेरी अम्मी को यह बिल्ला जो था एक क्रिसमस की शाम को मिला था और इसके पीछे एक चेज का मतलब है पीछा किया जाना पीछा कौन कर रहा था एक डॉग हिज ऑनर हैविंग गोन बैक टू इंग्लैंड इसका मालिक शायद इंग्लैंड वापस जा चुका था एंड लेफ्ट हिम एट द होटल और इसको होटल में छोड़ गया था वेयर ही हैड बिकम वाइल्ड एंड अन फॉर जहाँ पे इसकी तबीयत ज़रा जहरीली किस्म की हो चुकी थी और इसकी किसी ने रखवाली भी नहीं थी की और ये दरिंदा बन चुका था आई प्ली विद हर नाट टू टेक हिम विद अस मैंने अपनी माँ से अल्तजा की प्ली अल्तजा की कि इसको ना अपने साथ रखा जाए वेन वी मूवड ऑन जब वहाँ से हम चले गए बट शी हैड नेम्ड द सैविज लेकिन अम्मी ने इसका नाम इस जहरीले दरिंदे का नाम सेविच का बेसिकली मतलब है एक्सट्रीमली वायलेंट ये लास्ट वर्ड है सैविज एक्सट्रीमली वायलेंट यानी कि बहुत ज़्यादा जहरीली किस्म का पेज नंबर वन नाइनटी एट पर आ जाए अम्मी ने इस सेविच का नाम जो था शीबा रखा था एंड शीबा के एम वी और शीबा हमारे साथ ही आ गया मदर्स वर्ड वॉजला अम्मी के लफाज तो ऐसे थे जैसे कि कोई पत्थर पे लकीर हो यानी कि कनून के, के अलफा जो होते हैं ऐसे अम्मी के अलफा थे ही ट्रेवल्ड इन ए बास्ट विद अस फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स अगले पाँच साल तक ये हमारे साथ बास्किट में सफ़र करता रहा स्क्रैचिंग मी वन एवर ही गॉड द अपरचुनिटी जब कभी इसको अपरचुनिटी मिलती मौका मिलता गॉट द अपरचुनिटी मौका मिलता मुझे वेन एवर जब कभी तो मुझे स्क्रैच डाल देता था मेरे ऊपर वो ना होने से निशान लगाता था खरीद देता था मेरी स्किन ही नेवर गॉट लॉस्ट कभी घूम भी नहीं था होता बट स्टेड कंटेंटली बल्कि बड़े आराम सुकून से बैठा रहता था एट द फुट ऑफ मदर्स बेड अम्मी के बेड के कदमों में वेर एवर वी वर हम जहाँ कहीं पे भी जाते थे अम्मी के बिस्तर के कदमों में बैठा रहता था मेकिंग द ओकेजनल फुरे और अक्सर उकात हमले कर देता था तो फुरे का मतलब है अचानक हमला करना आउट टू बीट अप नेटिव कैट्स नेटिव कैट्स के ऊपर अक्सर उकात ये जो था हमला करता था नो वन लाइक द बीस्ट कोई भी इस दरिंदे को पसंद नहीं करता था एक्सेप्ट मदर सिवाय अम्मी के बट ही वॉज अ रिमार्केबल ट्रेवलर लेकिन ये एक शानदार किस्म का सफ़र करने वाला था यानी कि जहाँ जाते थे वहाँ पे साथ जाता था ही इवन लर्न टू यूज़ द की होल इसको तो आ, जो की होल होता है लेबोटरी का टॉयलेट का ट्रेंस की टॉयलेट का जो की होल है जहाँ से उसका दरवाज़ा खुलता है टॉयलेट का इसको तो वो भी इस्तेमाल करना आ गया एंड ही ऑलवेज न्यू बाय सम और इसको हर चीज़ का इलम इसकी छठी हिस्से पता चल जाता था

रेडी टू बी packed अप इन हिज बास्केट तो ये रेडी हो जाता था कि और इसके सामने जब हम देख इसको पता चलता कि हम जाने लगे थे तो ये जाके चुपके से अपनी बास्केट में बैठ कर जाने के लिए रेडी हो जाता लास्ट पैराग्राफ वन वन मॉर्निंग इन डार्जिलिंग आई फाउंड शीबा स्टोन कोल्डेड जब एक सुबह डार्जिलिंग में इलाके का नाम है शायद तो मुझे शीबा का पता चला कि वो बिल्कुल स्टोन कोल्डेड बिल्कुल ऐसे पड़ा है जैसे कि इसके कोई पत्थर का होकर पड़ा है डेड पड़ा था आई वॉज स्ट्रेंजली मूव एकदम से मैं अजीबो गरीब सी मेरे अंदर से एक लहर फिर गई माई सिस्टर टोल मी मेरी जो बहन थी जिसका नाम पीछे मैरी ज़िक्र हुआ है दैट टोल मी दैट आई अप मेरी बहन मुझे ये बताया करती थी कि जब ये मैंने सीन देखा तो मैं एकदम से उछल पड़ी ऊपर नीचे क्राइंग हैप्पीडी और खुशी से चिल्लाई भी शीबाज डैड शीबाज डेड, शीबा फोर्थ हो गई शीबा फोर्थ हो गया सॉरी कैट जो मेल कैट था बट आई रिमेम्बर बींग अनरव बाई हिज कोल्ड हार्ट बॉडी लेकिन मुझे याद है कि एकदम से मेरे अनर का मतलब है होशोहवास खो जाना जब मैंने इसकी कोल्ड हार्ड बॉडी को हाथ लगाया था तो मेरे तो एकदम से जहन उस टाइम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई थी एंड मिसिंग हीम ऑन द लॉन्ग जर्नीज और और मैं लंबे लंबे सफ़र पर उसके उसका साथ मिस करती थी ही हैड बिन माई एनमी फॉर फाइव लॉन्ग ये मे पाँच साल तक मेरा दुश्मन रहा था एंड आई मिसड हिज अग्रेसिव सरली प्रेजेंस और मुझे उसकी गुस्सीली और सरली प्रेजेंस यानी कि बैड टेम्पर सरली बैड टेम्पर्ड वजूद को मैं आज भी मिस करती करती हूँ Okay, student, thank you for listening. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe to my channel. Okay, then, love is.